प्रदेश भर में रेत ट्रांसपोर्ट के पहिए थमेंगे। प्रदेश सरकार की गलत नीतियों व विभिन्न विभागों की मनमानी कार्यवाही व अवैध वसूली के खिलाफ प्रदेश भर के रेत व्यापारी आक्रोशित हैं। जहां होशंगाबाद व भोपाल के रेत व्यापारी 15 दिसंबर से हड़ताल पर हैं, वहीं इंदौर रेत मंडी व्यापारी एसोसिएशन ने गुरुवार रात 12 बजे से हड़ताल करने की घोषणा की है। रेत मंडी व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन शर्मा, सचिव मनीष अजमेरा ने बताया कि नोटबंदी व लॉकडाउन के चलते निर्माण उद्योग व रेत व्यापार पहले से ही बर्बाद हो चुका है। ऐसे में रेत ट्रांसपोर्टर सरकार की गलत नीतियों व निरंकुश अफसरशाही लाल फीताशाही से त्रस्त है। खदान ठेकेदार द्वारा रेत का पूरा मूल्य लिया जाता है और रॉयल्टी कम दी जाती है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन, आरटीओ, माइनिंग, जिला प्रशासन जैसे विभाग रेत ट्रांसपोर्टरों पर मनमानी कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टरों पर कार्यवाही करने वाले तंत्र द्वारा खदान ठेकेदारों पर कार्यवाही नहीं की जा रही है, जो रेत की मात्रा अनुरूप रॉयल्टी नहीं दे रहे हैं। पूरे मार्ग में विभिन्न विभागों की अवैध वसूली के चलते अवैध खनन व अवैध परिवहन रोकने में असफल सरकार केवल रेत ट्रांसपोर्टरों को निशाना बना रही है, जिसके चलते रेत ट्रांसपोर्टर बर्बाद हो चुका है। रेत एसोसिएशन पिछले 10 वर्षों से मांग करता आ रहा है कि खदानों से रेत की मात्रा निर्धारित की जाए, रॉयल्टी से अधिक माल खदान ठेकेदारों द्वारा नहीं दिया जाए और अधिक देने पर खदान ठेकेदार पर कार्यवाही की जाए, धारा 379 की कार्यवाही बंद की जाए, रास्ते में चेकिंग के नाम पर होने वाली बेतहाशा अवैध वसूली को रोका जाए व पुलिस व आरटीओ का हस्तक्षेप बंद हो, खदानों पर कांटे लगाए जाए या 6 टायरी में 10 मीटर, 10 टायरी में 16 मीटर, 12 टायरी में 20 मीटर रेत की मात्रा निर्धारित की जाए। उक्त मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, प्रदेश सचिव, खनिज सचिव व खनिज मंत्री तक को कई बार अवगत कराया गया, किंतु अवैध खनन रोकने, अवैध व ओवरलोड परिवहन रोकने में सरकार की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई देती है, जिसके चलते केवल रेत ट्रांसपोर्टरों पर मनमानी कार्यवाही कर पूरा मूल्य चुकाने वाले, टैक्स चुकाने वाले रेत ट्रांसपोर्टरों को माफिया बता दिया जाता है और अवैध खनन करने वालों को संरक्षण देते हुए बचा लिया जाता है। प्रदेश भर के रेत ट्रांसपोर्टरों का हड़ताल को समर्थन मिल रहा है। इंदौर के लक्की बल और आनंद गुप्ता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए तथा विरोध दर्ज कराया। देवास रेत व्यापारी भी आज से हड़ताल कर रहे हैं। सीहोर, अलीराजपुर, रतलाम के रेत व्यापारियों ने भी हड़ताल का समर्थन किया। कितने ट्रक एसोसिएशन है और क्या पूरी मांगे आती है? इस मंडी के अंदर करीबन 600 मेंबर हैं और 1000 से ज्यादा गाड़ियां हैं। सबने अपने अपने वाहन सबने रात से ही खड़े कर दिए। कुछ गाड़ियां गई थी भरने, वो आके अपने अपने स्थान पर खड़ी कर दी गई है। जब तक हमारी मांगे नहीं मांगेंगे, जब तक हम हड़ताल पर बने रहे। किस तरह की मांगे आपकी? हमारी मूल मांग है कि खदान से ही रेती निश्चित मात्रा में दी जाए, रॉयल्टी से ज़्यादा माल नहीं चाहिए, जितनी रॉयल्टी दे उतनी हमको माल चाहिए। और किस तरह की मांग? रास्ते में जो हमारे जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो अवैध वसूली की जाती है वो नहीं हो। किस प्रकार की वसूलियाँ की जाती है? ड्राइवर को ड्राइवर रखा जाता है, क्या होता है? हमारे ऊपर जो ओवरलोड के नाम से जो की जाती है वो बात, क्योंकि यदि कांटे से यदि वजन करते हैं तो रेती में वजन ज़्यादा होगा ही होगा। बरसात में पानी भी होता है, रेती में पत्थर भी होता है, कभी क्या होता है कि वो तो कांटे से तो वजन ज़्यादा जाएगा ही जाएगा। कितने दिन की हड़ताल रहेगी? ये अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल है। जब तक हमारी मांगे नहीं होगी, पूरी नहीं होगी, जब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। शिकायत आपने कहीं करी? इसके लिए हमने चीफ सेक्रेटरी को भी भेज चुके हैं, खनिज प्रमुख को भी दे चुके हैं, मंत्री को भी दे चुके हैं और सभी जगह जो भी अधिकारी संबंधित अधिकारी हैं उनको सबको दे चुके हैं। कितना रेवेन्यू का फर्क पड़ेगा जो हड़ताल? सब रेवेन्यू तो जितना रेत वाहन जो देते हैं वो पूरा का पूरा ही नुकसान होना है। मिनिमम एक मोटा आंकड़ा बता, इसका आंकड़ा करोड़ों में जाएगा। आपका नाम? मोहन शर्मा, रेत मंडी अध्यक्ष, इंदौर।